फ्रेंड्स, श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वेज थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अपनी थाली 40 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दाल फ्राई के लिए दाल चढ़ा देती हूँ। तो आपके घर में जितने भी मेम्बर हों उसके हिसाब से आप मुट्ठी के हिसाब से दाल ले लीजिए। तो मैं चार जनों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं चार मुट्ठी दाल ले रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब मैं इसमें एक कप पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे ढक्कन बंद करके गैस पे रख दूंगी और इसे 2 से 3 विसल आने तक हम लोग पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर गैस पे रख दिया है। अब मैं आटा छान लेती हूँ। नॉर्मली जो हम रोटी बनाने के लिए आटा यूज करते हैं वही ले रही हूँ मैं, गेहूँ का आटा। आटा छान लिया मैंने, थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। और हम जो नॉर्मली आटा गूंथते हैं वही हमें गूंथना है। हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। अब मैं ये सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। तो मुझे दाल फ्राई के लिए टमाटर प्याज वगैरह वो कट करने हैं। और एक मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। और एक मैं पनीर की सब्जी बनाए तो उसके लिए भी मुझे प्याज टमाटर वगैरह कटिंग करना है, तो अब मैं वो सारी तैयारी कर लेती हूँ। एक ही मेरे पास फ्रोजन मटर है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख देती हूँ। ये हमें मटर पनीर के लिए काम में आएंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डाल दूंगी और ढक्कन बंद कर दूंगी। और मैं 2 सीटी आने दूंगी इसकी, 2 विसल आने तक। आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब मैं पत्ता गोभी की सब्जी एक साइड में इसको बना देती हूँ। एक साइड में मेरे चावल रखे हुए हैं। मैंने ऑयल रख दिया गैस पे। चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ या नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल देती हूँ, जीरा डाल देती हूँ और एक हरी मिर्च मैं कट कर सकती हूँ वो डाल देती हूँ। और ये सब्जी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके साथ में मेरे पास में पत्ता गोभी अवेलेबल है, तो मैं पत्ता गोभी और आलू बना रही हूँ। आप नींबू फूल गोभी कुछ भी बना सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल एक बना सकते हैं और एक पनीर की बना लेंगे और एक दाल। तो हमारा काफ़ी अच्छा मेन्यू तैयार हो जाएगा। 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा के पकने देती हूँ सब्जी को। एक बार सब्जी को चेक कर लेती हूँ। दो मिनट के लिए मैं वापस इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। अब मैं सब्जी में मसाले डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इसे मैंने हल्दी डाली है, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर सब डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। और
सब्जी को हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। एक बार मैं आलू चेक कर लेती हूं कि आलू पका है या नहीं पका है। दो मिनट के लिए रखना पड़ेगा, आलू थोड़ा सा कच्चा है। तो एक सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। चावल भी हमारे बनके एकदम बढ़िया से रेडी हो गए हैं। लहसुन अदरक हरी मिर्ची का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ये मेरे दाल और पनीर की सब्जी में काम आएगा। अब मैं दाल वगैरह कर देती हूँ, एक साइड में दाल फ्राई बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें राई डाल देती हूँ, जीरा डाल देती हूँ और जो हमने प्याज का कट करके रखे थे वो डाल देती हूँ। उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, इनको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, दो टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। थोड़ा मसाला मैं निकाल के ब्लेंडर जार में डाल देती हूँ, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनने वाली है इस मसाले के साथ। अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें मैं, आपको दाल जैसी रखनी है वैसी रख सकते हैं आप। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारी दाल भी बनके रेडी हो गई है।
अब हम पनीर की सब्ज़ी रेडी कर देते हैं। अब पनीर की सब्ज़ी के लिए मैं गैस पर ऑयल रख देती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी वो डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी दाल ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। इसमें आप चाहे थोड़े से मसाले और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड कर देती हूँ। सब्जी की तरीके रेडी हो चुकी है। अब हम रोटी पराठा जो भी हमें बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाली बनके रेडी हो चुकी है। और मिठाई के बिना तो हमारी थाली कंप्लीट नहीं होती है। तो वो भी मैंने सर्व कर दी है। पापड़ रख दिया है, साथ में मैंने सैलड रख दिया है। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल फ्राई और एक मैंने पराठा बना दिया है और जीरा राइस है।